Good morning, students. How are you all? This is your second video, same subject, subject of SST, the same lesson, our Earth A study. I hope you, you all are fit and fine at your homes. So, study to very well and learn to very well. Let's we start your second video, the surface of the Earth. The Earth is made up of land and water, prithi. भूमि और पानी से बनी है थ्री फोर्थ और सेवेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ अर्थ इज वाटर एंड वन फोर्थ इज ट्वेंटी फाइव इज प्रसेंट इन वाटर इसमें प्रति पृथ्वी पृथ्वी को सेवेंटी फाइव परसेंटेज पृथ्वी में सेवेंटी फाइव परसेंटेज वाटर है एंड वन साइड इज लैंड है द पिक्चर्स ऑफ द अर्थ शो दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द अर्थ लुक्स ब्लू हैंस इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लानट ये पृथ्वी के चित्रों से पता चलता है कि बड़ी मात्रा में पानी की उपस्थिति है ये पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखती है सो द एर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लानट पृथ्वी में चित्रों से अपन पता चलता है कि बड़ी मात्रा पानी है पानी के कारण प्रति नीला दिखती है इसलिए सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। वेन यू स्टैंड एट हाई प्लेस एंड टुक लुक ए हेट यू सीम्स टू मीट द लैंड टू द स्काई एंड लैंड रियली मीट नो दे ऑल अपे टू मीट यदि आप एक ऊंचे स्थल पर मतलब प्लेस पर जाकर खड़े होकर दूर देखने प्रयास करें ऐसे दूर होकर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जहाँ तक ऐसा देख सकता है आप देखेंगे कि आकाश भूमि से मिलता है ऐसा प्रदीद अपन को मिलती है ऐसा प्रदीद अपन को होती है क्या सच में आसमान और ज़मीन मिलता है नहीं ना मिलता है केवल उसका नसर अपन को आता है द प्लेस द स्काई एंड लैंड अपेयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजोन जहाँ स्काई एंड लैंड मिलते हुए प्रदीत को अपन कहते हैं हॉरिजोन द प्लेस वेर द सी एंड स्काई अपेयर टू मीट इज कॉल्ड वाटर हॉरिजोन जहाँ सी एंड स्काई मिलते हुए प्रदीत को हम कहता है वाटर हॉरिजोन द प्लेस वेर द सी मीट द लैंड अपेयर टू मीट इज कॉल्ड कॉस्ट जहाँ सी मीट द लैंड मिलते हुए प्रदीद को अपन कहते हैं कॉस्ट आर गो टू स्टडी द स्टडिंग द अर्थ अर्थ के बारे में हम और जांच करेंगे अप्रोक्सिमेटली दर्थ इजल इन शेप व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ द अर्थ इज पिकल इन शेप एक गोलाकार है द साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी बिग द साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी बिग डो यू थिंक इट इज पॉसिबल टू सी हॉल दर्थ एट टाइम क्या आपको लगता है कि पूरी पृथ्वी को देखना संभव है नो, इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू बट आल्सो इम्पॉसिबल टू गेट टू गो टू ईच प्लेस ऑन द अर्थ एंड लर्न अबाउट इट इसके बारे में जानना कठिन नहीं है नेक्स्ट globes and maps a globe is the model of the earth globe ek model the model of the earth is called globe the globes make it makes it easy for the study the earth well we have to rotate the globes to see each half of the earth at a time ऑन द ग्लॉब द ब्लू कलर शो द वाटर एंड अदर्स कलर्स शो लैंड मैसेस एंड अदर थिंग्स पृथ्वी पृथ्वी का एक मॉडल है ग्लोब यह ग्लोब हमको पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए मदद करता है वी हैव टू रोटेट द ग्लॉब टू सी इच हाफ ऑफ द अर्थ अटेक्ट आई हमको पृथ्वी को प्रत्येक भाग को देखने के लिए ग्लोब को घूमना पड़ता है रोटेट मतलब घुमाना पड़ता है हम मतलब प्रत्येक प्रत्येक भाग को देखने के लिए ये ग्लोब को घूमना पड़ता है ऐसे वाला तो गो गोभ आप दिख रहे होगा ये ग्लोब को अपन को घूमना पड़ता है सी नेक्स्ट ऑन द ग्लोब द ब्लू कलर शो वाटर एंड अदर कलर्स शो लैंड मैसेस ऑन अदर थिंग्स और ग्लोव पर नीला रंग पानी दिखाता है और अन्य कलर की कुछ चित्रों कुछ चीज़ों आपको दिखाई देती है सी ए ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ए ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेज ऑन द अर्थ हवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन ए स्मॉल ग्लोब ग्लोब पृथ्वी पर अलग अलग प्लेस को अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेस ऑन स्मॉल ग्लोब एक स्मॉल ग्लोब हर प्लेस का दिखाना पॉसिबल नहीं है एक स्मॉल छोटा वाला ग्लोब में हर जगह को देखने के लिए तो पॉसिबल नहीं है बट इट इस ह्यूज बट इज़ ह्यूज ग्लोब इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ई सी केरी एवरी वेयर मतलब एक स्मॉल ग्लोब को हर जगह को देख दिखाना पॉसिबल नहीं है इसलिए एक बड़ा ग्लोब का दूसरा जगह पर ले जाना बहुत कठिन है एक बड़ा गो, गो, ग्लोब कई जगह में ले जाने के लिए वेरी डिफिकल्ट टू कैरी इच एंड एवरी वर कई जगह में ले जाने के लिए बहुत आसान नहीं है कठिन है बहुत कठिन है सो द मैप वास वेरी वास क्रिएटेड दैट इस वाई मैप मैप्स वर क्रिएटेड इसलिए नक्शों बनाया गया क्या बनाया है नक्श हम कहते हैं मैप ए मैप इस ड्राइंग ऑफ द हॉल अर्थ पार्ट ऑफ इट इसलिए ये ग्लोब को हर जगह में ले जाने के लिए दिक्कत है इसलिए अपन क्या बनाया गया है नक्श मीन्स मैप सो मैप वर क्रिएटेड ए मैप इज़ ड्राॅइंग ऑफ द हॉल अर्थ पार्ट ऑफ इट मैप शॉ कंट्रीज ये मैप को अपन दिखाई देती है कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिटीज डिफरेंट रॉड्स डिफरेंट रिवर्स Or different mountains and oceans in details. A map, can They can easily carry everywhere. A mein le It's very easy to carry everywhere. But globe is not easy to carry everywhere. The world map is drawing of the complete. अर्थ पृथ्वी का एक संपूर्ण चित्र को हम कहते हैं वर्ल्ड मैप क्या कहता है वर्ल्ड में एक संपूर्ण चित्र को हम कहता है वर्ल्ड मैप इट्स शो वाटर बॉडी इसमें दिखाई देती है वाटर बॉडी इन ब्लू एंड लैंड मैसेस एंड अदर थिंग्स एंड अदर कलर्स आल्सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अटलस अटलस ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एंड अटलस अटलस एक मानचित्र क्या कहते हैं अपन अटलस को एक मान चित्र बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड मानचित्र मानचित्र का बुक को अपन अटलस कहा जाता है बहुत स्मॉल मैप्स एंड लार्ज मैप्स आर यूज टू स्टडी ऑन द अर्थ पढ़ाई करने के लिए ये दोनों अपन इस्तेमाल किया जाता है वेरी लार्ज मैप्स दैट आर हंग ऑन वॉल्स कॉल्ड वॉल मैप्स

महाद्वीप के बारे में हम जांच करेंगे और महासागर के बारे में जांच करेंगे द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़ आर नोन आज ओशंस बहुत बड़ा महासागर को अपन ओशन कहा जाता है द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक सीज रिवर गव्स बाइस एंड लेक्स एक्सेट्रा छोटा छोटा सागर को हम कहा जाता है लाइक सीस रिवर्स गव्स बाइस एंड लेक्स वी हैव टू

Antarctic Ocean or the Southern Ocean remain frozen most of the time. मतलब frozen से जमा हुआ है The Arctic Ocean is the smallest ocean. This is the uh, smallest oceans. The Arctic oceans is smallest ocean. महासागर से सबसे छोटा सागर कौन सा है Arctic Ocean. सबसे बड़ा Pacific Ocean is the largest ocean. सबसे बड़ा ocean क्या क्या है बच्चों बताओ सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा महासागर क्या होती है पैसिफिक ओशन होती है सबसे छोटा महासागर क्या है आर्टिक ओशन आपको देख सकता है एक ब्लू वाली देखो आर्टिक ओशन पैसिफिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन 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 पैसिफिक बहुत फाइव महासागर है लार्ज मासेस लैंड ऑन द एर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट अपन अब महाद्वीप के बारे में हम जांच करेंगे देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एज गि बिलो दुनिया में एक सेवन कॉन्टिनेंट है महाद्वीप है देखो बच्चा वी हैव टू सेवन कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड आज गिवन बीलम एशिया इज़ फर्स्ट अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप एंड अंटार्टिका लास्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया मैं आपको अभी मैंने बताया है फाइव ओशंस के बारे में बताया और अब हम जाँच करेंगे सेवन कॉन्टिनेंट्स कितना कॉन्टिनेंस है सेवन कॉन्टिनेंस एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड यूरोप अंटार्टिका लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया इसमें एशिया इज द लार्जेस्ट वन एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट वन एशिया दुनिया में सबसे महाद्वीप क्या होती है एशिया एशिया इस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड द ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट वन एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है ऑस्ट्रेलिया है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑन ए मैप अब हम दिशा के बारे में जानता है। डायरेक्शन हेल्प अस लोकेट प्लेस ऑन ए मैप डायरेक्शन अब दिशा अपन को मैप में कई जगह दिखाई देती है दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है देर आर फोर चीफ डायरेक्शन डायरेक्शन आर देर देर आर फोर डायरेक्शन चीफ डायरेक्शन डायरेक्शंस आर नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट आपको इस चित्र में देख सकता है देखो फोर डायरेक्शंस टॉप बॉटम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ओके नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एंड वेस्ट देर आर फोर डायरेक्शंस हम अब ओशन के बारे में बताया है कॉन्टिनेंस के बारे में बताया है डायरेक्शन के बारे में भी बताया देर आर फोर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट द डायरेक्शन हेल्पअस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द जगह दिखाने के लिए अपन ए दिशा को इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन अपन को दिखाई देती है ओके बॉटन ऑफ द मैप पॉइंट टू साउथ सबसे नीचे अपन दिखाई देती है बॉटम बॉटम इधन मीन्स सबसे लास्ट साउथ राइट साइड शो आपको दिखाता है राइट साइड ईस्ट सी This is east side and uh, left side is west. Can you them nine uh, four directions? डायरेक्शन आपको ये four direction को पता है बोल सकते है आपको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द चाइनीस वर गुड ट्रैवल चाइना लोग बहुत यात्री करना पसंद करता लोग है चाइनीज लोग लॉन्ग अगो बहुत साल पहले द सेंटर ऑफ द टू बी फिफ्थ डायरेक्शन उन्होंने ऐसा सोचा है कि सेंडर में एक डायरेक्शन है एक्चुअली सेंटर में डायरेक्शन नहीं है बट नाउ वी नो दैट देर आर ओनली फोर डायरेक्शन कितना डायरेक्शन है देर आर फोर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट बोथ ग्लोब एंड मैप हेल्प अस टू रिप्रजेंट डिफरेंट लैंड लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ ये सब मैप में हर जगह दिखने के लिए अपन को इस्तेमाल किया जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर अर्थ का मतलब शेप मतलब दुनिया में कई प्रकार नहीं है कई सेम नहीं है कई प्रकार ऊंजा होता है कुछ जगह मैदान मतलब प्लेन्स एरिया भी है ओके सम सरफेस अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर बट हाई और लो और प्लेन देर आर डिफरेंट फ्यूचर्स ऑफ द अर्थ इज़ लैंड फॉर माउंटेन हिल्स प्लेन्स प्लेट्यूस पेंसिलार आईलैंड एक्सेट्रा इन द नेक्स्ट यूनिट वील वी शाल एक्सप्लोर डिफरेंट लैंड्सफाम इन इंडिया नेक्स्ट यूनिट में अपन इंडिया का डिफरेंट लैंडस फॉर्म के बारे में जाँच करेंगे आज हम डायरेक्शन के बारे में बताया डायरेक्शन हेल्पस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सम एवरीवर ये जगह एक प्रकार नहीं है इसमें यह भूमि क्या है केवल दुनिया में हर जगह मतलब सेम नहीं है कुछ जगह ऊंचाई भी है कुछ जगह मैदान भी है सम अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर सम प्लेसेस इज हाई और लो और प्लेन एक्सेट्रा डे स्टूडेंट्स योर फर्स्ट फर्स्ट लेसन हैज़ कंप्लीटेड थैंक यू